आप सबको स्वागत है। आज हम 23 अप्रैल की शुरुआत में आ पहुंचे हैं। कुछ शक्तियां हैं जो कि फिजिकल शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां जो कि आध्यात्मिक शक्तियां हैं। फिजिकल शक्तियां जैसे कि आपने घी खाया तो आपको बल मिला, क्लैरिफाइड बटर कहते हैं उसको, मक्खन घी और बटर मिल्क की सारी चीज़ें आपको ताकत देती हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। और एक होगी आध्यात्मिक शक्ति, जिसको कि हम कहते हैं कि मक्खन, ज्ञान का मक्खन खाओ तो फिर आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। और एक और शक्ति होती है जो कि आप अपने मन बुद्धि से तीनों दुनियाओं में, तीनों लोकों में आप सैर कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है। ये एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है जो कि एक आत्मा महसूस करती है, कॉन्शियसनेस महसूस करती है, ब्रेन महसूस नहीं कर सकता है। तो ये कॉन्शियसनेस आत्मा महसूस करती है बॉडी से बाहर निकल करके थोड़े समय के लिए, कैसे ऊपर जाकर के हम इस दुनिया से पार जाकर के कैसे अपने आप को पवित्र बनाएं और हम अपनी छठी इंद्री को स्ट्रांग बनाएं ताकि हमें अपना भविष्य दिखे क्लियरली कि भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं और क्या क्या करना है और क्या क्या आने वाला है हमारे जीवन में। ये सारी शक्तियां मिल जाती हैं जब हम एस्ट्रल ट्रैवल या हम योग करते हैं, जिसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा, ये भी क्या एक अभ्यास है, मानसिक अभ्यास, मन का अभ्यास, सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भवा। ये सूक्ष्म शक्तियां होगी, ये फिजिकल शक्ति आप आंखों से देख पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, मुख से बोल पा रहे हो, हाथ पैर चला रहे हो, आपकी स्थूल फिजिकल शक्तियां होगी, लेकिन सूक्ष्म शक्ति होगी छठी इंद्री। तो परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है। ब्रह्मा को माँ क्यों कहा? बिकॉज ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है परमपिता परमात्मा शिव ने। तो जिसको अडॉप्ट करते हैं, जैसे वाइफ को भी अडॉप्ट किया जाता है, वाइफ को पैदा नहीं किया जाता, वाइफ को अडॉप्ट करते हैं, तुम आज से मेरी वाइफ हो, तो अडॉप्ट किया वन्नी। वैसे ही ब्रह्मा ने शिव परमात्मा को अपना पिता माना और पति भी माना और ब्रह्मा हो गई उनकी वाइफ, वैसे ही हम भी उनकी सजनियां बन गए। तो ब्रह्मा माँ जो कि हम सब ब्राह्मणों की पालना करने वाली माँ है, तो उनको भी याद करना चाहिए, सिर्फ परमात्मा को ही नहीं। तो ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है। रूहानी ममता अलग होती है, जिस्मानी ममता अलग होती है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। अभी भी ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा पापा कहें, माँ कहें, उनमें इतनी ताकत है कि वो हमारे सूक्ष्म शरीर को ऊपर खींच करके सूक्ष्म वतन में ला करके वहां पर हमारे साथ खेल पाल, हमें शक्तियां, हमें रियलाइजेशन करा सकते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे जब ब्रह्मा बाबा धरती पर थे, तो जितने भी आत्माएं थी उनके आसपास इस यज्ञ में, उनको घी पिलाते थे, किसके लिए? बल के लिए, शारीरिक बल, और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे जो कि इम्पोर्टेंट है, व्यायाम, योगा, योगा अलग है और योग अलग है। ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते। अब वतन में तो आप फिजिकल घी नहीं खिला सकते, बल्कि मिडिल वर्ल्ड, सबसे ऊपर वाला वर्ल्ड जहां से आत्मा आई, फिर मिडिल वर्ल्ड आ गया आपका सूक्ष्म वतन, जहाँ पे एंजेलिक वर्ल्ड है, जहाँ ब्रह्मा बाबा भी है अपने सूक्ष्म शरीर में, और नीचे वाला वर्ल्ड आ गया यहाँ पर। तो ऊपर भी परमात्मा ब्रह्मा बाबा को इतनी शक्ति दे चुके कि ब्रह्मा बाबा हमें ऊपर इमर्ज कर सकते हैं और हमें घी पिला सकते हैं, ज्ञान वाला घी। फिर परमात्मा कहते हैं शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो दौड़ की रेस, हम सिर्फ क्या होता है, पूरे दिन भर हमारा काम काज में हमारी बुद्धियां अटक जाती है, बीच बीच में परमात्मा को याद करना सबसे पहले दुनिया में, और बीच बीच में सूक्ष्म वतन में भी जाना बहुत जरूरी है, ताकि हमें फरिश्ता, जो हमारा फरिश्ता का शरीर है, हमारी जो ऑरा बॉडी है, वो प्योर हो पाती जाए। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आउट ऑफ बॉडी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो कि आप चलते फिरते भी कर सकते हो, आपको कहीं बैठ करके ऐसे आसन लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैरों के ऊपर पैर डाल की जरूरत नहीं है आपको। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी में। परमात्मा कहते हैं जीवन में समा जाए क्या ये सारी शक्तियां, और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। ये किसकी शुद्ध इच्छा है और शुभ इच्छा है? ब्रह्मा बाबा की, हम सब बच्चों के लिए। तो ये सारी विद्या, एस्ट्रल ट्रैवल, ये तीनों वर्ल्ड में ट्रैवल करना और ज्ञान का घी पाना, ये सब कुछ सिखाया था ब्रह्मा कुमारी। इसमें आप भी आकर इस ज्ञान को लीजिए। ओम शांति सत्सर।